अस्सलाम वालेकुम फूडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स बाय निकी। और एक और नई और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। ये है रेसिपी स्पेशली किसी की रिक्वेस्ट पर जो मैंने बनाई है। तो हाँ, ये मेरी सिस्टर की यानी कि रूही की फरमाइश थी। शी वॉन्टेड टू हैव पैनकेक्स, उसको पैनकेक्स खाने थे और मैंने अपनी लाइफ में कभी पैनकेक्स नहीं ट्राई किए हैं। और ये जो है वो है ओरियो वाले पैनकेक्स। इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम है जो इजीली आपके घर में अवेलेबल होगा फॉर श्योर। तो यहाँ एक बोल के अंदर हम पहले ले लेंगे ओरियो। ओरियो को हमने ग्राइंड कर लेना है और बोल में निकाल लेना है। ये पैकेट के अंदर आएगा सिर्फ 4 या 5 बिस्किट थी और उससे मैंने बनाए काफ़ी अच्छे वाले पैनकेक। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के दूध। दिस इज अ बोल, बट हाँ 1 कप के बराबर है वो मेजरमेंट में। उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ मैदा, 1/4 कप मैदा। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसके लम्स ना रहें, मैदे के लम्स ना रहें इसके अंदर। जब तक ये मिक्स होता है और इसके लम्स मैं करती हूँ फिनिश, तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं बहुत टाइम से, तो भाई ये तो चीटिंग है। आपको जल्दी से जाना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिना सब्सक्राइब करे आप रेसिपी देख रहे हो, क्या आपको शर्म नहीं आती है? ये चीटिंग है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसे बनाया तो है पर ये थोड़ा सा अभी भी लिक्विडी फॉर्म में है, तो मैं यहाँ और एक बार 1/4 कप मैदा डाल रही हूँ। और अब मैं इसे मिक्स करूँगी कट एंड फोल्ड मेथड से, जैसे हम केक बनाते वक्त करते हैं। केक बनाते वक्त जो हम कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हैं वैसे कर रही हूँ। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, एयर स्पेस नहीं रहती है, और दूसरी बात ये कि लम्स बिल्कुल नहीं रहते हैं। अभी भी जो है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वैसी है। तो मैं यहाँ पर एक और कप डाल चुकी हूँ, 1/4 कप भर के मैदा। उसके बाद यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी मुझे मिली है और ये परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। इसीलिए अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ शुगर, क्योंकि ओरियो का जो स्वीटनेस था वो थोड़ा सा हिडन हो गया है, छुप गया है बिकॉज ऑफ मैदा, क्योंकि इसमें हमने मैदा डाला है। तो इसीलिए अब यहाँ हमें डालना होगा चीनी। तो मैंने यहाँ चीनी, आप चाहे तो चीनी का पाउडर यानी कि पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने शुगर इसीलिए डाला है क्योंकि जब मैं इसे मिक्स करूँगी और क्योंकि इसमें दूध है, लिक्विड है, मिक्स करते हुए जो शुगर के ग्रेनुल्स है वो अपने आप ही इसके अंदर जो है मेल्ट हो जाएंगे यानी कि पिघल जाएंगे। जो शक्कर के दाने हैं वो अपने आप ही इसके अंदर मिक्सिंग के वक्त पिघल के हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, कोई वो बहुत बड़ा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप जैसा चाहें कर सकते हैं। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पैनकेक। बैटर तो रेडी हो चुका है हमारा, अब हमारे पैनकेक फ्राई होंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है तवा, कर लिया है उसे गर्म और डाल दी है मक्खन। मक्खन डालने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ मेरे पैनकेक का बैटर और ये हो गया है परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे कि धोनी के होते थे ना 6 छक्के, वैसे परफेक्ट है मेरा ये पैनकेक। ओह माय गॉड, यू नो ये पहली बार है जो मैं ट्राई कर रही हूँ पैनकेक्स। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, रूही की फरमाइश पे मैं बना रही थी, वो चाह रही थी कि पैनकेक बनाऊँ, उसे खाना था, तो उसकी फरमाइश पे मैंने ये टास्क ले तो लिया, बट आई वॉज नॉट अ चैम्पियन इन दिस। मैंने अपनी लाइफ में कभी पैनकेक्स नहीं बनाए हैं, बट आई गिव इट अ ट्राई एंड यू नो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ चैम्पियन इन एवरीथिंग। तो थैंक मी लेटर फॉर शेयरिंग दिस। पहले जल्दी से जाओ रेसिपी बनाओ और पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा नीचे से पक गया है, मैंने इसको फ्लिप कर दिया है। अब थोड़ा सा हम इसे अगले साइड से भी पका लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे तवे से उतार देंगे, ओवरकुक नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगा। और जले हुए पैनकेक तो कोई भी नहीं खाएगा, आप खुद भी नहीं खाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगी। तो ये हो गया है तैयार, निकाल लिया है मैंने और अब जाएगी इसके ऊपर मेरा सेकेंड पैनकेक का बैटर। मैंने सोचा मैं आपको 2 करके बता दूं कि भैया देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं परफेक्ट कर सकती हूँ। मैं परफेक्शनिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं कर सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो जब तक ये हो रहा है ना हमारा सेकेंड पैनकेक, प्लीज़ आप जल्दी से जाइए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, जो कि पेज का नाम है टेस्टी ट्रीट्स बाय निकी। वहाँ पर भी मैं इनके प्लेटिंग के ज़बरदस्त फोटोज़ अपलोड करती हूँ और छोटे छोटे रील्स भी अपलोड करती हूँ, तो वो वीडियोस को आपने शेयर भी करना है। उसी के साथ साथ आपने मेरे YouTube के वीडियो को भी लाइक करना है, शेयर करना है और खूब सारा प्यार देना है कमेंट सेक्शन में। तो ये भी हो गया है तैयार, इसे भी हमने कर लिया है फ्लिप और 2 पैनकेक्स हमारे ऑलमोस्ट हो गए तैयार।
इसकी जो खुशबू आ रही है ना इस वक्त, ओ माय गॉड, वो चॉकलेट की एक जो ओरियो की स्मेल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो ये भी हो चुका है तैयार, अब इसे भी हम उतार लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, मैं बाकी के पैनकेक्स बना लूँगी और जल्दी से हम जाएंगे प्लेटिंग करने के लिए। आज की प्लेटिंग थोड़ी सी खास है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ प्लेटिंग करने का एक नया तरीका। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सॉस को जो है प्लेट पर फैला दिया है, एक पैटर्न बना लिया है, एक डिज़ाइन बना ली है, उसके बाद मैं रख दूँगी मेरे सारे पैनकेक्स। अब कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि मैम आप हाथ से पैनकेक क्यों रख रहे हो, ये भाई हम देसी लोग हैं, हम हमारे हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये इसीलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी गैस से उतार लिए थे और उसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ। खैर, आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग रेट करो नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मेरी प्लेटिंग कैसे लगी। एक्चुअली मैं ट्राई कर रही हूँ सीखने के लिए, अभी से आपको इंशाल्लाह मेरे रेसिपीज़ में प्लेटिंग का कुछ एक अलग अलग तरीका देखने के लिए मिलेगा। तो आप प्लीज़ ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा रेट करके 5 में 1 से 5 तक कि आपको मेरी प्लेटिंग कैसी लगी। और पैनकेक हो गया है हमारा तैयार, तो जल्दी से जाइए बनाइए, इवनिंग स्नैक्स में खाइए या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, पर मुझे थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, दुआ दीजिएगा और मुझे याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इंतज़ार कीजिए मेरे वीडियो का, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।